हेलो, गुड मॉर्निंग। नरेशन के इस पांचवें भाग में हम लोग पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस का अगर डायरेक्ट नरेशन दिया हो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे इसको समझने से पहले हम पहले ये देख लें कि इम्परेटिव सेंटेंसेस होते कौन से हैं, किसको इम्परेटिव सेंटेंस कहेंगे। देखिए, ऐसे सारे सेंटेंस जिसमें आर्डर दिया गया हो या रिक्वेस्ट किया गया हो या एडवाइस दिया गया हो, सजेशन दिया गया हो, प्रपोज किया गया हो, ये सारे सेंटेंसेस इम्परेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। ओके, अक्सर इन सेंटेंसेस की शुरुआत वर्ब से होती है, ध्यान रखिएगा। और जब सेंटेंस की शुरुआत वर्ब से होती है तो हम कंजक्शन दैट का प्रयोग इसमें नहीं करते, उसी वर्ब को इन्फिनिटिव बना लेते हैं। अभी एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। चलिए देखिए, इसमें इस तरह के सेंटेंस होते हैं, आर्डर, इसमें आर्डर होता है। मैं आपको एक चीज़ बताया था जब ट्रांसलेशन में पढ़ा रहा था, तो ओ आर यस, ये वही सेंटेंस हैं, ओ आर यस वाले, जिसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। आर्डर, रिक्वेस्ट, सजेशन, इस तरह के सेंटेंसेस इंपरेटिव सेंटेंस कहे जाते हैं। आप इसको इस तरह से आप बड़ी आसानी से इसको याद रख सकते हैं, ओ आर यस। ओके, तो देखते हैं स्ट्रक्चर। डायरेक्ट नरेशन का स्ट्रक्चर आपको पता है, ऐसे ही बनता है, कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्टिंग वर्ब, यही है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब शेड या शेड टू को चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार। यानी रिपोर्टेड स्पीच में यदि ऑर्डर दिया गया हो तो हम सेड टू को ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे। रिक्वेस्ट किया गया हो तो रिक्वेस्टेड हो जाएगा, एडवाइस दिया गया हो तो एडवाइज हो जाएगा, सजेशन हो तो सजेस्टेड हो जाएगा। ओके, प्रपोजल हो तो प्रपोज्ड हो जाएगा। यानी रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब को हम चेंज कर देंगे। ओके, कॉमा नोटेड कॉमा हटाएंगे और रिपोर्टेड, ये रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए सेंटेंस के शुरू वाले क्रिया को, शुरू ही होगी क्रिया से, तो उस क्रिया को ही हम इन्फिनिटिव बना देंगे। हर कंडीशन में ऐसा नहीं होगा, मैं आगे एग्जांपल लेकर के समझा रहा हूँ आपको। चलिए देखते हैं, एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। ओके, जैसे द टीचर शेड टू मी, द टीचर सेड टू मी, स्टैंड अप। ओके, स्टैंड अप, तो क्या करेंगे? देखिए, स्टैंड अप, टीचर ने मुझसे कहा स्टैंड अप, तो क्या कर रहा, सलाह दे रहा है, ऑर्डर दे रहा है। हम क्या करेंगे, लिखेंगे द टीचर सेड टू को हम ऑर्डर्ड में चेंज कर देंगे, ऑर्डर्ड मी। ओके, इनवर्टेड कामा और कामा को हटा देंगे और यहाँ पे स्टैंड को जो कि वर्ब है इसे इन्फिनिटिव बना देंगे, तो हो जाएगा टू स्टैंड अप। इनवर्टेड कामा हट जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा। द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, द टीचर ऑर्डर्ड मी टू स्टैंड अप। ओके, द टीचर सेड टू मी, क्लियर, समझ में आ गया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, आई शेड टू माई फ्रेंड, आई सेड टू माई फ्रेंड वर्क हार्ड, मैंने अपने दोस्त से कहा कठोर परिश्रम करो। ओके, तो ये क्या है, ऑर्डर दिया जा रहा है, अपने दोस्त को ऑर्डर नहीं देते हैं, यह क्या है, सजेशन है, तो हम सेड टू को सजेस्टेड में बदल देंगे, हो जाएगा आई सजेस्टेड माई फ्रेंड क्या वर्क को, क्या करेंगे, वर्क वर्ब है यहाँ पे, तो हम इसको इन्फिनिटिव बना देंगे, तो हो जाएगा टू वर्क हार्ड, मैंने अपने दोस्त को कठोर श्रम करने के लिए सलाह दिया, सजेशन दिया। ओके, एडवाइस नहीं, सजेशन दिया। ओके, चलिए देखते हैं, अगर इस तरह के सेंटेंस नेगेटिव हो जाएं तो क्या करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है द टीचर सेड टू मी स्टैंड अप, अगर यह होता द टीचर सेड टू मी डू नॉट स्टैंड अप, ओके, या डू नॉट गो आउट, या डू नॉट मेक अ नॉइस, उस कंडीशन में हम क्या करते, देख लेते हैं। अगर यह होता डू नॉट मेक नॉइस, डोंट मेक नॉइस या डू नॉट मेक नॉइस, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। इस तरह के सेंटेंस बनाने के दो तरीके होते हैं, एक तो बिल्कुल जिस तरह से है
उसी तरह से कर लें, यानी यह रिक्वेस्ट का भाव आ रहा है तो हम इसको सेट टू को रिक्वेस्ट ऑर्डर में बदल दें, ऑर्डर का भाव आ रहा है तो ऑर्डर में बदल दें। ओके, और दूसरा तरीका अभी बता रहा हूँ, इसके बाद देख लेते हैं इसको। अगर हम ऐसा करते हैं तो हो जाएगा ऑर्डर में, अब यहाँ टू से पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे, डू हटा देंगे और मेक को क्रिया को इन्फिनिटिव बना देंगे और उससे पहले हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ओके, तो हो जाएगा नॉट टू। अब ये नॉट टू, अब ये मेक ए नॉइस, तो हो जाएगा मेक नॉइस या मेक अ नॉइस, कुछ लोग अ नॉइस लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर सेंटेंस हो द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक अ नॉइस, क्या हो जाएगा द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक नॉइस। ओके, मेक नॉइस या मेक अ नॉइस, मेक नॉइस, क्लियर। इसको दूसरा तरीका ये है कि आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि इस सेट टू को फॉरवर्ड में बदल दीजिए, फॉरवर्ड में, और ये डू नॉट को हटा दीजिए, पहले की तरह बनाइए नॉट मेक नॉइस, ऐसे इन्फिनिटिव की तरह बनाइए। तो इसको करेंगे तो हो जाएगा द टीचर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड का मतलब होता है निषेध करना, मना करना, फॉरवर्ड टीचर ने मुझे मना किया क्या करने के लिए। अब ये डू नॉट हटा देंगे और मेक से पहले टू का प्रयोग कर देंगे, टू मेक नॉइस, समझ में आ गया। द टीचर फॉरबिड मी टू मेक अ नॉइस, दो तरीके हो गए, दोनों ही यूनिक तरीके हैं, जो आपके समझ में आए वैसा ही आप यूज करिएगा एग्जामिनेशन में। ओके, द टीचर सेड टू मी डू नॉट मेक नॉइस, द टीचर ऑर्डर्ड मी नॉट टू मेक नॉइस, या द टीचर फॉरबिड मी टू मेक अ नॉइस, क्लियर। इसको इस सेंटेंस को देखें, हो सकता है क्या, हो सकता है अगर हम यहाँ पे डू नॉट का प्रयोग कर दें, डू नॉट वर्क हार्ड, ओके, तो क्या करेंगे देख लीजिए। आई सेड टू माई फ्रेंड डू नॉट वर्क हार्ड, डोंट वर्क हार्ड, उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर वैसे ही करना चाहते हैं पहले वाला रूल से तो आप इसको सजेस्टेड करेंगे, आई सजेस्टेड माई फ्रेंड, तो यहाँ पे नॉट का प्रयोग हो जाएगा, टू से पहले नॉट आ जाएगा, नॉट टू वर्क हार्ड, बहुत ईजी, कोई दिक्कत नहीं है, बस नॉट को प्लेस कर देना टू से पहले इन्फिनिटिव से पहले, और नहीं तो दूसरा तरीका अपनाइए, आई फॉरबिड सेट टू की जगह आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सजेस्टेड की जगह हम फॉरबिड लिख रहे हैं, फॉरबिड माय फ्रेंड टू वर्क हार्ड, नॉट हट जाएगा, टू वर्क हार्ड, दोनों सेम है, जैसे आपके आपके समझ में आ रहा वो कर सकते हैं एग्जामिनेशन में। आई फॉरबिड माई फ्रेंड, मैंने अपने दोस्त को फॉरबिड किया, निषेध किया, मना किया, टू वर्क हार्ड, कठोर श्रम करने से। ओके, क्लियर, इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सेंटेंस में यदि प्लीज शब्द आ जाए या काइंडली शब्द आ जाए तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल से देखते हैं। आई शेड प्लीज गिव मी अ पेन। ओके, तो हम क्या करेंगे, या प्लीज़ हटा देंगे, काइंडली या प्लीज़ जैसे शब्दों को हटा देते हैं, और क्योंकि ये प्लीज़ शब्द बता रहा कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, तो यह क्या करेंगे, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, आई रिक्वेस्टेड। अब फिर वैसे ही वही वाला रूल अपनाएंगे जो पहले हम लोग कर रहे थे, इस वर्ब को इन्फिनिटिव बना देंगे, टू गिव हो जाएगा, क्लियर। अब ये देखिए फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, आई है या मी है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मी ही रह जाएगा, कोई चेंज ही नहीं आएगा, अ पेन ही रहेगा। ओके, आई सेड प्लीज गिव मी अ पेन, आई रिक्वेस्टेड टू गिव मी अ पेन, क्लियर, समझ में आ गया। कई बार क्या होता है सेंटेंसेस में, सेंटेंस देखने से लगता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ओके, जैसे एग्जाम्पल के रूप में एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, She said, would you like to have a cup of tea?
वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, सी सेड. उसने कहा क्या आप एक कप चाय लेना पसंद करेंगे. तो अब ध्यान से देखिए, सेंटेंस क्वेश्चन मार्क लगा है और वुड से शुरू हो रहा है. वुड मतलब ऑक्सिलरी से शुरू हो रहा है, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है. तो यह कंडीशन फॉलो कर रहा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का. लेकिन जब सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कोई सवाल नहीं पूछा जा रहा है, यह ऑफर किया जा रहा है एक कप चाय को. एक कप चाय ऑफर किया जा रहा है, तो आप इसको सिड को क्या करेंगे, ऑफर्ड में चेंज कर देंगे सी. और किसको ऑफर किया जा रहा है, यू मतलब मी, तो हो जाएगा सी ऑफर्ड. Offered me. क्या ऑफर किया जा रहा है, टू हैव अ कप ऑफ टी. टू हैव अ कप ऑफ टी, बस ओके. ये लाइक हटा देंगे और यू को आई में चेंज कर देंगे या रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में इसको हम यूज कर लेंगे. ओके, सी ऑफर्ड मी टू हैव अ कप ऑफ टी. क्लियर, समझ में आ गया. अब चलिए कुछ और वाक्य लेते हैं. अगर सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच लेट से शुरू हुआ हो, लेट से, कई बार ऐसा होता है इंपरेटिव सेंटेंस में लेट शब्द भी आया होता है, उस कंडीशन में क्या करेंगे. देखिए ध्यान से, मैं एग्जांपल लेकर के आपको समझा रहा हूँ. अगर हो ही शेड टू रहने दीजिए, लेट अस प्ले अ मैच. लेट अस प्ले अ मैच, देख लीजिए यहाँ पे ये सेंटेंस आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि इसमें प्रपोज किया गया कुछ करने के लिए. उस कंडीशन में यानी लेट वाला सेंटेंस अगर प्रपोजल हो, प्रपोजल याद रखिएगा, प्रपोजल हो लेट वाला सेंटेंस. ओके, लेट से शुरू हुआ हो, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, यहाँ कामा इनवर्टेड कामा हटा करके हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे. ओके, और शेड को इसके भाव के अनुसार, रिपोर्ट स्पीच के भाव के अनुसार चेंज कर देंगे, प्रपोज है प्रपोज कर देंगे, तो हो जाएगा ही प्रपोज्ड दैट. अब हम यहाँ पे कंजक्शन लगाएंगे दैट, लेट को हटा देंगे और लेट को शुड बना करके सब्जेक्ट के बाद ले जाएंगे दैट. अब देखिए यहाँ पे जो सब्जेक्ट है अस, यह यहाँ पे अस सब्जेक्ट है, अस लिखा गया है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखा गया. क्यों, क्योंकि लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म यूज करते हैं, याद रखिएगा. अब जब लेट हटेगा तो यह अस जो है सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, नॉमिनेटिव केस हो जाएगा. अब देखिए ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो किसके अनुसार चेंज होना चाहिए, रिपोर्टिंग वर्ब पे सब्जेक्ट के अनुसार. और सब्जेक्ट क्या है, ही थर्ड पर्सन प्रोनाउन है. यहाँ पे देखिए ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन या थर्ड पर्सन, तो हम यहाँ पे थर्ड पर्सन प्रोनाउन कर देंगे. लेकिन नंबर यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये प्लूरल नंबर है, सिंगुलर नंबर नहीं है, तो हम ही नहीं लिखेंगे. प्लूरल नंबर क्या करेंगे, दे का प्रयोग करेंगे. ओके, समझ में आ गया, हो जाएगा ही प्रपोज दैट दे. अब इस लेट घटा देंगे और सब्जेक्ट के बाद शुड का प्रयोग करेंगे, शुड का प्रयोग करेंगे, प्रपोजल है शुड आ जाएगा, शुड, बाकी चीज़ें वैसे रहेंगे. शुड प्ले अ मैच, क्लियर, समझ में आएगा, इसको अच्छे से समझिएगा. ही सेड लेट अस प्ले अ मैच, लेट्स आर लेट अस एक ही बात है, लेट अस प्ले अ मैच क्या हो जाएगा, ही प्रपोज्ड दैट दे शुड प्ले अ मैच. क्लियर, समझ में आ गया. अगर यह सेंटेंस प्रपोजल ना होकर के ऑर्डर होता, ओके, या रिक्वेस्ट होता तो क्या करते, चलिए एक एग्जांपल लेके देखते हैं. अगर रिक्वेस्ट हो, रिक्वेस्ट, तो उस कंडीशन में क्या करेंगे और सेंटेंस लेट से शुरू हुआ हो, जैसे ही सेड लेट मी गो होम. लेट मी गो होम, ही सेड, उसने कहा मुझे घर जाने दिया जाए, मुझे घर जाने दीजिए. ये क्या है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि मुझे घर जाने दीजिए. उस कंडीशन में क्या करेंगे, शेड को रिक्वेस्टेड में बदलेंगे, ये तो होगा ही होगा. ही रिक्वेस्टेड ओके. अब क्या करेंगे, रिक्वेस्ट वाले में अगर लेट वाला सेंटेंस आ जाए तो इस लेट को ही हम इन्फिनिटिव बना देंगे, या वर्ब होता है एक्चुअली, लेट वर्ब होता है, तो हम इसी को क्या करेंगे, इन्फिनिटिव बना देंगे, तो हो जाएगा टू लेट. इतना समझ में आ गया. अब देखिए सब्जेक्ट क्या है, मी, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, लेट के बाद मी, सब्जेक्ट होने के बाद भी लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज करते हैं, इसलिए मी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं. फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है ही, तो क्या हो जाएगा, लेट के यहाँ पर अभी भी ही है, तो हम सब्जेक्ट का ही नहीं लिखेंगे,
ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे लेट हिम, बाकी चीजें वैसे रहेंगी, गो होम है तो गो होम ही रहेगा। ओके सेंटेंस था ही सेड लेट मी गो होम, तो हमने इनडायरेक्ट चेंज किया, क्या हो गया ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम। क्लियर, समझ में आ गया। कुछ और सेंटेंस लेते हैं, अगर सेंटेंस में ऑर्डर हो, अभी तो प्रपोजल आपने देखा, रिक्वेस्ट देखा लेट वाले सेंटेंस में, अगर ऑर्डर हो तो क्या करेंगे उसको देख लेते हैं। अगर मैं लिखूं द किंग सेड लेट हिम सेट फ्री, उसे छोड़ दिया जाए, राजा ने कहा उसे छोड़ दिया जाए, ये क्या है ऑर्डर है, ऑर्डर और सेंटेंस कैसा है लेट का यूज हुआ है। उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसमें भी हम कंजक्शन दैट का प्रयोग करेंगे, देखिए कैसे होता है। द किंग सेट को क्या करेंगे, क्योंकि भाव क्या है ऑर्डर का, फिर इसको हम ऑर्डर्ड कर देंगे, ऑर्डर्ड दैट दैट, अब लेट को हटा देंगे, और अब यहाँ जब लेट हटेगा तो हिम क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट है, अभी ये सब्जेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, लेट के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट होता है, तो हम क्या करेंगे उसको सब्जेक्ट फॉर्म करेंगे। अब देखिए थर्ड पर्सन प्रोनाउन क्या है, इसको यहाँ हम देखेंगे कहीं नहीं, थर्ड पर्सन प्रोनाउन चेंज ही नहीं होता, तो क्या हो जाएगा यह ही हिम को हम लेट हटा देंगे, दैट का प्रयोग करेंगे, दैट कंजक्शन कॉमा नोट का हटा देंगे और दैट का प्रयोग करेंगे, ऑर्डर्ड दैट ही, अब यह ही हो जाएगा सब्जेक्ट फॉर्म ही, और यहाँ पे शुड का प्रयोग करेंगे, ही शुड सेट फ्री। ओके फुल स्टॉप। सेंटेंस था द किंग सेड लेट हिम सेट फ्री, आपने इसको इनडायरेक्ट में चेंज किया, क्या हो गया द किंग ऑर्डर्ड दैट ही शुड सेट फ्री। क्लियर, समझ में आ गया। मुझे लग रहा है कि इंपरेटिव सेंटेंस के सारे सेंटेंसेस मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, अगर कुछ छूटा हुआ हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मुझे उसे अगले दिन बताऊंगा। ओके अगर क्वेश्चन समझ में ना आया हो, कहीं भी सेंटेंस समझ में ना आया हो, तो आप पीछे भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।